क्या हाल चाल आई होप यू पीपल एंड यू टेकिंग इंटरेस्टिंग एंड 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 ऑल्सो वेरी शॉर्ट दोस्तों सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो चैप्टर है जो टॉपिक है वो सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 80 है मुझे पांच मिनट दीजिएगा मैं आपको बताऊं ये चैप्टर का लॉजिक क्या है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों एज पर सेक्शन 14 वी डिवाइड द इनकम या एनी सोर्स इनटू फाइव हेड्स वी डिवाइड द सोर्स इनटू फाइव हेड्स वी डिवाइड द सोर्स इनटू फाइव हेड्स एंड दीज फाइव हेड्स आर सैलरी हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस हमने ये हेड कंप्लीट कर लिए हैं सैलरी हमने क्या था पंद्रह से सत्रह हाउस प्रॉपर्टी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी सेवन बिजनेस प्रोफेशन ट्वेंटी फोर कैपिटल गेन फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव ए अदर सोर्सेस फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी नाइन और हर हेड की बच्चों हमने क्या कंप्यूट किया था इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम house property income from business profession income from capital gain income from other sources as per the sections so we have computed income from salary under 15 to house property 22 to business profession 28 to 44 capital gain 45 to 55 a other sources 56 to 59 and friends income is is revenue jo mile, turnover sale fees receipts रेंट जो भी मिला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस एंड अच्छा रेवेन्यू अगर है, है, तो आपकी आ जाती है। और या डिडक्शंस वो ही मिलती हैं जो इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है ठीक है तो अगर आपका बच्चों रेवेन्यू है दस लाख रुपए और डिडक्शंस जो सेक्शंस में दी हुई है उसी हेड में माइनस करने वाली पांच लाख रुपए तो आपकी इनकम आ गई पांच लाख रुपए तो आपने यहां पर लिख लिया सैलरी में हाउस प्रॉपर्टी में वट एवर केस में सैलरी में तो इतनी डिडक्शन मिलती भी नहीं है एग्जाम्पल के तौर पर लेकिन अगर डिडक्शन पंद्रह लाख रुपए है तो इनकम नहीं आएगी लॉस आएगा पांच लाख रुपए का क्योंकि आपकी डिडक्शन या एक्सपेंस जो अलाउड है जो अलाउड है वो ज्यादा हो जाएंगे रेवेन्यू से तो व्हाट इज लॉस एंड व्हाट इज इनकम फ्रेंड्स अगर हम बात करें इनकम इज रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एंड इज़ लॉस व्हेन आममंदनी अठन्नी खर्चा रुपया एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन रेवेन्यूज अभी तक हमने जितने भी केसेस क्लासेस में करे हैं वो इनकम के किए कि इनकम आ रही है रेवेन्यू ज्यादा है इनकम आ रही है तो उसको हम हेड में दिखा के उस उसपे टैक्स लेवी हो जाता है उस उसपे टैक्स लग जाता है उसका कुछ शेयर निकाल के यस उसका कुछ हिस्सा कह लीजिए या शेयर कह लीजिए निकाल के सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है लेकिन जब आपको अगर नुकसान आ गया आपके एक्सपेंस ज्यादा थे एक, रेवेन्यू कम थे लॉस आ गया तो लॉस पे आपको कोई टैक्स तो देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा इनकम टैक्स है इनकम टैक्स एक्ट है इनकम पे टैक्स है अगर आपकी नेगेटिव इनकम आती है लॉस इज नेगेटिव इनकम नेगेटिव इनकम तो इस पर कोई टैक्स तो नहीं लगेगा तो क्या गवर्नमेंट रिफंड दे देगी आपको लॉस का जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स क्या आपको गवर्नमेंट ओ oh कोश तो क्या गवर्नमेंट आपको हाँ जी एक सेकेंड दोस्तों बुरा मान गया आपकी बात को या मेरी बात को तो हमने क्या बोला जब आपके रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस तो इनकम आई और इनकम का कुछ शेयर सरकार को निकाल के टैक्स के रूप में आपने दे दिया लेकिन जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है भैया रेवेन्यू से तो आपको लॉस आया लॉस में क्या आपको टैक्स निकाल के टैक्स दोगे भैया आपने तो कमाए नहीं है टैक्स तो नहीं लगेगा क्या गवर्नमेंट रिफंड देगी इस लॉस का क्या कुछ हिस्सा गवर्नमेंट वापस कर देगी नहीं गवर्नमेंट कहते लॉस का हम आपको कुछ लेकिन आप लॉस को क्या कर सकते हो मलम लगा सकती है गवर्नमेंट आपके दुख में देखो गवर्नमेंट सुख की साथी तो है जो आपकी गवर्नमेंट गुड टाइम्स इनकम इज गुड टाइम्स उसकी तो गवर्नमेंट साथी है शेयर करने आ जाती है गवर्नमेंट बैड टाइम्स बैड टाइम्स कब हुआ जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए लॉस हो गया तो गवर्नमेंट बैड टाइम्स में भी आपका सपोर्ट करेगी लेकिन सपोर्ट किस प्रकार से करेगी टैक्स नहीं लगाएगी एक तो आपको रिफंड तो नहीं मिलेगा वापस आप कैश बैक ऐसा नहीं होगा बस गवर्नमेंट क्या करेगी बोलेगी उस लॉस को सेट ऑफ कर लो उस लॉस को सेट ऑफ कर लो यानी कि उस लॉस को सब्ट्रैक्ट कर लो उस लॉस को सब्ट्रैक्ट कर लो फ्रॉम इनकम्स हो सकता है कोई और जगह से आपने कमाया हो उस लॉस को उस लॉस को आप सेट ऑफ कर लो तो गवर्नमेंट दो तरीके से आपको सपोर्ट करेगी एक तो टैक्स नहीं लेगी आप पे क्योंकि आपके लॉस हुआ है आपने तो कमाई नहीं हुई आपका तो बल्कि जेब में कुछ बचा ही नहीं आप तो नेट इनफ्लो में नहीं हो नेट आउटफ्लो में हो क्योंकि योर एक्स रेवेन्यू इज योर इनफ्लो एक्सपेंस इज योर आउटफ्लो तो आपका आउटफ्लो ज्यादा है समझ गए मेरी बात तो आपके बे में तो कोई बचा नहीं गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी उस लॉस को सेट ऑफ करके कि अब लॉस को कर लीजिए इनकम से जैसे अगर आपने बिजनेस वन किया इसमें आपको इनकम आई पांच लाख रुपए की और बिजनेस टू किया सेकंड बिजनेस किया उसमें लॉस आया मान लीजिए तीन लाख रुपए का गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि पांच के पांच लाख का टोटल इनकम दिखाओ ना गवर्नमेंट कहेगी इस तीन लाख को पांच लाख में घटा लो और फिर आपकी टोटल इनकम या नेट इनकम दो लाख मानी जाएगी तो हम इस चैप्टर में ये करने वाले हैं पहली बात कि लॉस किस किस इनकम में आ सकता है पहली बात तो ये करेंगे कि लॉस कहां कहाँ आ सकता है हो सकता है किसी इनकम में लॉस ही ना आता हो क्योंकि उस इनकम में ही माइनस नहीं होती हूं अरे भाई रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है ना बाबा लॉस

चार पड़ोसी हैं दोस्तों याद है आपको शर्मा जी गुप्ता जी वर्मा जी चड्डा साहब अरे चार पड़ोसी सर ये तो नहीं है अरे भाई हर इनकम के चार पड़ोसी होते हैं सैलरी के चार पड़ोसी अलग हो गए पांच हेड्स है ना तो आपके हर पड़ोसी से तो नहीं बनते है ना अगर आपका दुख दर्द है तो एक के साथ तो नहीं बांटोगे तो ये जो तो सेट ऑफ करना है इसके रूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे तो पहला तो काम हमें यह करना पड़ेगा कि लॉस किस किस हेड में आता है कैसे आता है वो समझना पड़ेगा और दूसरा इस लॉस को सेट ऑफ करने के रूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा गाइडलाइन पढ़ने पड़ेंगी दिशा निर्देश करने पड़ेंगे तो इस चैप्टर में हमें दो काम करने हैं लॉसेस कैसे आते हैं किस इनकम में आते हैं और लॉसेस को सेट ऑफ कैसे करना है अच्छा ये लॉसेस को सेट ऑफ कब करना है मतलब जैसे आपने खाना खाना है कोई आपसे खाना मांगने आ गया तो पहले अपना खाना खाओगे या दूसरे को खाना खिलाओगे तो गवर्नमेंट कहती है पहले आप ये पांचों हेड की जो इनकम्स है ना वो कम्प्यूट कर लो हेड की इनकम्स कम्प्यूट कर लो हेड की इनकम्स कम्प्यूट कर लो बिजनेस प्रोफेशन था हमारा ट्वेंटी एट से फोर्टी फोर कैपिटल गेन की इनकम कंप्यूट कर लो ये था हमारा फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव ए ऐसी अदर सोर्सेस की इनकम भी कंप्यूट कर लो फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी नाइन अब चेक करना क्या ये सारी इनकम्स आई हैं या किसी में लॉस आया है? अगर किसी में लॉस आया है अब आप सेट सेट ऑफ ऑफ करोगे और अंडर हेड घर में ही झगड़ा हाँ, सोसाइटी में लेके नहीं आना यानी कि अगर किसी को कुछ चाहिए तो आप सैलरी के घर जाइए या हाउस प्रॉपर्टी के घर जाइए या बिजनेस प्रोफेशन के घर जाइए या कैपिटल गेन के घर जाइए या अदर सोर्सेज के घर जाइए घर जाने से भी पहले अपने घर को चेक करो अगर आप लोगों में कभी ना कभी इफ यू हैव सिबलिंग्स भाई बहन है आपके तो आपका भी झगड़ा होता होगा कभी ना कभी तो झगड़ा लफड़ा हुआ होगा अब जब झगड़ा होता है तो आप पड़ोसी के घर नहीं जाते सबसे पहले अपने ही घर में रहते हैं तो गोल्डन रूल ये होता है कि कोई भी लॉस सैलरी हाउस प्रॉपर्टी वैसे सैलरी में आना तो मुश्किल है हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन कैपलेगरी में जो भी झगड़ा होता है जो भी लॉस आता है झगड़ा नहीं लॉस होता है उसको अपने घर में ही सेट ऑफ करने की कोशिश करो हो सकता है चार बिजनेस हो हो सकता है आपने पचास एसेट बेची हो एक एसेट बेचकर नुकसान हुआ फोर्टी नाइन एसेट बेचकर प्रॉफिट हुआ तो पहले अपने घर में सॉल्व करो घर में सॉल्व नहीं होता तो पड़ोसियों की मदद लो यानी कि ये जो सेट ऑफ करनी है बिफोर कंप्यूटिंग जी बिफोर कंप्यूटिंग जी टी, जी टी, जी टी, जी टी निकालने से पहले करने हैं सेट ऑफ इनफैक्ट मैं बताऊं आपका स्टेप वन है आप समझिएगा स्टेप वन है कंप्यूट इनकम ऑफ फाइव हेड्स इनकम ऑफ फाइव है फाइव हेड्स का निचोड़ निकालो जो जो खर्चे मिलते हैं कितने मिलते हैं ज्यादा मिलते हैं सैलरी का फॉर्मूला क्या था ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन अंडर सोलह हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या था जीएवी माइनस डिडक्शन अंडर चौबीस बिजनेस प्रोफेशन का फॉर्मूला क्या था भैया अलाएबल डिडक्शन ट्वेंटी एट से लेकर थर्टी सेवन वन वही डिडक्शन है थर्टी से लेकर थर्टी सेवन वन कैप्लीकेट का फॉर्मुला वही एफवीसी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर लीजिएगा आपने भी ताजा ताजा पढ़ा ही होगा तो इन सबके फॉर्मुलास निकाल के पांचों में प्लस आ गया बहुत ही बढ़िया दो में प्लस आया बाकी तीन है ही नहीं बहुत ही बढ़िया लेकिन चार में प्लस आया एक में माइनस आया दो में माइनस आया तीन में प्लस आया तो फिर अपने अपने घर में सेट ऑफ करो पड़ोसी के बाद झगड़ा सॉल्व करने क्यों जाओगे पहले अपने घर में सॉल्व करो घर में बात रही बनती पड़ोसी सॉल्व करना है यह होता है स्टेप स्टेप कंप्यूट इनकम ऑफ फाइव एड्स में हम करते हैं जी क्लबिंग ऑफ इनकम क्लबिंग ऑफ इनकम उसके बाद किया जाता है ये होता है क्लबिंग ऑफ इनकम सिक्सटी से सिक्सटी फाइव क्लबिंग सेट ऑफ करने से भी पहले क्लबिंग कर लो तो प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और है है ना तो यानी कि अगर क्लबिंग उससे पहले करनी है 62 60 65, ये भी चैप्टर आपने कर लिया होगा किसी और की इनकम जुड़ रही है तो जोड़िए परिस्थितियां मैंने बताया था जनरल क्लबिंग स्पेसिफिक क्लबिंग इसके बाद यस अब आपको स्टेप थ्री लगाना है और वो है सेट ऑफ यस 70 से 80 तो दोबारा रिपीट करूंगा भाई दोबारा रिपीट करूंगा सबसे पहले तो आपका काम है आप हर इनकम की पांचों हेड की निचोड़ निकालिए जूस निकालिएगा फिर क्लबिंग करिएगा पांचों और क्लबिंग भी अभी जीटीआई नहीं आई है बेटा समावेश पांचों हेड का जीटीआई वो बाद में देखनी है अभी क्लबिंग होगी सैलरी में क्लबिंग हो रही है तो ये सब स्टेप टू क्लबिंग फिर आपको स्टेप तीन करना है सेट ऑफ का फिर सेट ऑफ करना है और सेट ऑफ भी हेड के अंदर ही किया जाएगा बिफोर कंप्यूटिंग जी तो ये जो स्टेप टू है बाबा और ये जो स्टेप थ्री है अभी तक जीटीआई नहीं निकाली गई है ये नहीं कि आपने क्या किया गलत बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे गलती क्या करते हैं आ, तो बच्चों ये बात याद रखना चाहे क्लबिंग करो या सेट ऑफ करो वो स्टेप टू और थ्री है स्टे, स्टेप वन के अंदर आपको पहले पांचों हेड का पांचों हेड की इनकम निकालनी है पांचों हेड की इनकम निकालने के बाद प्लस माइनस क्लबिंग होता है प्लस और सेट ऑफ होता है माइनस ये हेड्स के अंदर ही करना है इन हेड्स के अंदर ही प्लस माइनस करना है तो अगर कोई सेट ऑफ करना है क्लबिंग करनी है वो हेड्स में और और सेट ऑफ भी कब करना है क्लबिंग करने के बाद उसके बाद स्टेप चार होगा स्टेप चार होगा फिर सम टोटल ऑफ फाइव हेड्स टोटल ऑफ फाइव हेड्स इज नोन एज जीटीआई ये आपको बात याद रखनी है सम टोटल ऑफ फाइव हेड्स इज नोन फिर वो आपको एटीसी एटी माइनस करना है तो पहला कदम याद रखिएगा दोस्तों आपको पांचों हेड का निचोड़ निकालना है भूल जाए क्लबिंग भूल जाओ सेट ऑफ फिर आपको क्लबिंग करनी है किसी और की इनकम आप में जोड़ी जाएगी इस सन्स सन भाई माइनर एसेक्ट्रा फिर उसके बाद आपको देखना है सेट ऑफ करना है सेट ऑफ करना है सेट ऑफ करना है याद रखिएगा क्लियर है बात चलिए तो अब मैं सेट ऑफ के बुनियादी रूल्स आपको स्टार्ट कर रहा हूं सेट ऑफ का सेक्शन है बच्चों सेवेंटी से लेकर सेक्शन एट्टी और लॉस कब आता है जब आपकी आमंदनी अठन्नी आमंदी अठन्नी खर्चा रुपया आइए जी तो पहले कुछ लॉसेस के बुनियादी रूल्स फंडामेंटल रूल्स फंडेमेंटल रूल्स फॉर सेटिंग ऑफ लॉसेस सेटिंग ऑफ ऑफ लॉसेस पहला फंडामेंटल रूल भैया पहले आप इंट्रा हेड सेट ऑफ करेंगे अंडर सेक्शन सेवेंटी इंट्रा हेड सेट ऑफ करेंगे अंडर सेक्शन 70 इसका मतलब ये भैया सुनिएगा एक सेकेंड भैया यानी कि अगर आपका लॉस हुआ किसी भी हेड के अंदर तो आप उसी घर में जैसे घर में अगर आपकी चीनी खत्म हो गई तो आपके ताऊ चाचा उस घर में रहते हैं बुआ रहती है बुआ तो नहीं रहती मतलब मान लो घर जमाइ हो छूफा जी जी जीजा जी बुआ जी 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 है तो फूफा जी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तो उसी घर में रहिएगा माँ बाप से बात करिएगा लेकिन घर में बात ना माने फिर हम इंटर हेड सेट ऑफ करेंगे इंटर हेड सेट ऑफ और इंटर हैड सेट ऑफ होगा अंडर सेक्शन सेवेंटी वन तो सबसे पहले लॉसेस अगर आया लॉस कब आया जब आपके एक्सपेंस उस रेवेन्यू अमाउंट से ज्यादा है तो पहले वो देखिएगा जो लॉस आया है वो किस हेड का है और भाई वो लॉस जो आया होगा किसी सोर्स में आया होगा किसी आमदनी के जरिए में आया होगा फिर वो सोर्स किस हेड को बिलोंग करता है जैसे अगर बिजनेस में लॉस आया तो बिजनेस हेड बिजनेस हेड में वो लॉस आया अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचकर नुकसान आया तो कैपिटल गेन में नुकसान आया तो कोई ना कोई लॉस किसी सोर्स ऑफ इनकम का होगा सोर्स किसी हेड में होगा तो पहले तो उसी हेड में रहिएगा तो घर की बात घर में रहनी चाहिए फिर घर की बात बाहर सेट ऑफ करिएगा इंटर हेड सेट ऑफ लेकिन कभी कभार क्या होता है आपका मान लीजिए एचपी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एक लाख है लेकिन आपकी जो सैलरी की इनकम है वो अस्सी हजार है अब ये एक लाख पूरा तो नहीं जा सकता अस्सी हजार से एक लाख अस्सी हजार से अस्सी हजार जा सकता है तो बीस हजार लॉस रह गया फिर गवर्नमेंट कहती है डोंट वरी इस साल तो इनकम खत्म हो गई अब चीनी घर में खत्म हो गई चीनी पड़ोसी के पास भी नहीं है तो भैया आज तो सो जाओ कल की कल देखेंगे तो इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फिर अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड सेट ऑफ तो इसको ऐसा करते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड And set off of losses, carry forward and set off of losses. तो पहले तो आप losses को carry forward करिए. अगर अच्छा ये पहले first step है, ये second step है और ये आपका third step है. Miss नहीं करना जी. तो पहले तो आपको intra हेड set off ही करना है. फिर इंटरनेट सेट ऑफ करना है घर की बात फिर बाहर लेकिन बाहर वाले भी समझा ना पाए फिर बेटा अगले साल कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे और फिर अगले साल सेट ऑफ करेंगे अगले साल इनकम आएंगी अच्छा याद रखिएगा ये जो कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे हैं बच्चों ये खाली कौन कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे ये बात लिखिए हां जी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा सेवेंटी वन बी में बिजनेस प्रोफेशन का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा सेवेंटी टू में और सेवेंटी थ्री ए में बताऊंगा तो लो आ, स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा सेवेंटी थ्री में कैपिटल लॉसेस कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा सेवेंटी फोर में और लॉस ऑफ ओनिंग ओनिंग एंड मेंटेनिंग लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स ये कैरी फॉरवर्ड होगा सेवेंटी फोर ए में तो आपको एचपी का लॉस सेवेंटी वन बी में बिजनेस प्रोफेशन का सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री ए में स्पेकुलेशन का लॉस सेवेंटी थ्री में कैपिटल लॉसेज वो कैपिटल गेन वाले ये जाएगा 74 में कैरी फॉरवर्ड होगा लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस और 74 ए में तो कुछ सेक्शंस याद करिएगा बच्चों कुछ सेक्शंस याद करिएगा बच्चों आपका इंट्रा हेड सेट ऑफ 70 में होगा इंट्रा इंट्रा मींस इंट्रा मींस सेम हेड इंट्रा मींस बच्चों इंट्रा मींस सेम हेड सेट ऑफ सेम हेड सेट ऑफ हाँ जी उसके बाद आपको करना है इंटर इंटर हेड सेट ऑफ ये सेवेंटी वन में होता है तो इसको बोलते हैं वन इसको बोलते हैं भैया वन हेड टू अनदर वन हेड टू अनदर, अनदर जैसे होता है तो इंट्रा स्कूल कंपटीशन स्कूल के अंदर अंदर इंटर स्कूल कंपटीशन डीएवी का एपीजे के साथ एपीजे का आ, मानसली स्कूल के साथ तो अलग अलग स्कूल जो भी होते हैं तो कहने का मतलब क्या है इंट्रा सेट ऑफ सेम हेड और इंटर जैसे इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन है ना जैसे एक स्टेट का दूसरी स्टेट इंट्रा स्टेट सेम स्टेट सेम उसके बाद बात ना बने तो हमें भैया कैरी फॉरवर्ड करना है अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है और फिर सेट ऑफ करना है और उनके जो सेक्शन हैं उनके जो सेक्शन कैरी फॉरवर्ड के एचपी का सेवेंटी वन भी बिजनेस प्रोफेशन का सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री है स्पेकुलेशन 73 कैपिटल गेन 74 कैपिटल लॉसेस और घोड़ों की रेस में घोड़े पालने और दौड़ाने वालों के लिए जो लॉस होता है बताऊंगा ये सब चीजें डिटेल में कि लॉस कैसे आता है ये लॉस होता है 74 ए ठीक है ये बात याद रखिएगा तो ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप स्टेप चेंज नहीं करने अब एक चार्ट बना लीजिए पहले कॉपी कर लीजिए पहले बच्चों ये कॉपी कर लीजिएगा पहले कॉपी कर लीजिए फर्स्ट कॉपी दिस हां जी अब एक टेबल बना लीजिएगा मैं आपको सेट ऑफ के रूल्स सारे समझाऊंगा तो टेबल शोइंग टेबल शोइंग रूल्स ऑफ सेट ऑफ सारे सेट ऑफ के रूल्स मैं आपको समझा रहा हूं ये एक समराइज कर देगा सबसे पहले आपको पहले पर टेबल बनेगा कैसे देखिएगा इंट्रा हेड सेट ऑफ ये वो सत्तर सेक्शन वाला इंटर हेड सेट ऑफ इक्यात्तर वाला तीसरा है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस सेट ऑफ ऑफ लॉसेस या अगले सालों में जब लॉसेज जाते हैं इस साल क्योंकि इस साल तो मापा पैसे थे नहीं तो इसमें भी दो बातें आती हैं एक आता है पीरियड और दूसरा आता है फ्रॉम तो ये आपको टेबल एक दो तीन ये ये टाइप ऑफ लॉस ये दो हिस्सों में तो आपको बेटा एक अप्रोक्सीमेटली वन टू थ्री फोर कॉलम्स बनाने और फोर्थ कॉलम्स को दो हिस्सों में डिवाइड करना है करिए जी टेबल शोइंग रूल्स ऑफ सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर सेट ऑफ कोई भी कह लीजिएगा टाइप ऑफ लॉस इंट्रा हेड सेट ऑफ ये सत्तर सेक्शन का होता है ये इकहत्तर का होता है और वो सेक्शन में बताई दिया कैरी फॉरवर्ड के जो आपके सेक्शन है आइए जी अब सबसे पहले हम एक एक हेड को देखेंगे और देखेंगे कि क्या इस हेड में लॉस आता है सबसे पहला टाइप ऑफ लॉस सैलरी हेड के अंदर हाँ जी क्या सैलरी हेड में लॉस आता है सैलरी हेड में लॉस आने की चांसेस ही नहीं है क्योंकि ग्रॉस सैलरी में माइनस होती है डिडक्शन सोलह की फिर टैक्सेबल सैलरी आती है तो भाई सोलह में इतना दम ही नहीं है कि वो ग्रॉस सैलरी को नेगेटिव कर दे कैसे चेक कर लो सेक्शन 16 के अंदर है स्टैंडर्ड डिडक्शन पचास हजार रुपए की लेकिन वो तो जब माइनस होगी ना जब पचास हजार ग्रॉस सैलरी है, है तो तीस लेंगे सोलह दो जो है वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स की है और एंटरटेनमेंट अलाउंस की है वो मिल रहा होगा तो माइनस होगा और सोलह तीन आपकी एम्प्लॉयमेंट टैक्स की है वो ढाई हजार से ज्यादा हो नहीं सकती तो टेक्निकली कोई बहुत ही कोई रेयर चांस होगी जहां लॉस आ सकता है वैसे लॉस आने की संभावना नहीं है तो लॉस जब आता नहीं है सैलरी में तो फिर उसको सेट ऑफ करने की जरूरत क्या है इस घर में चीनी खत्म ही नहीं होती तो इसका दुख दर्द बांटने की जरूरत ही क्या है तो जिस घर में चीनी खत्म होती है उनके रूल्स पढ़ने पड़ेंगे ना वो चीनी कहां कहां से मांगेंगे तो इस घर में तो लॉस ही नहीं आता तो इसका नो लॉस देर फॉर नो सेट ऑफ इस हेड में तो लॉस ही नहीं होता है तो आपको सेट ऑफ करने की आवश्यकता ही नहीं है बात समझ आ गई आइए दूसरा हेड जो है दूसरा हेड जो है वो है भैया दूसरा हेड जो है भैया दैट इज हाउस प्रॉपर्टी क्या हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है जरा सोच के बताइएगा कैन देर बी अ लॉस सर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो लॉस ही लॉस आता है एनएवी होती है उसमें तो लॉस आएगा ही आएगा दो लाख का आएगा तीस का आएगा पचास का आएगा वो तो अधिकतम होता है ना दो लाख तक या तीस तो लॉस ही आता है लेट आउट में अगर म्यूनिसपल टैक्स ज्यादा है जीएवी से तो एनएवी नेगेटिव हो जाएगी ये एनएवी तो पॉजिटिव थी चौबीस बी ज्यादा था तो आ सकता है तो लेट आउट मकान में भी आ सकता है और रेजिडेंशियल में भी आ सकता है तो लॉस आ जाए ना एचपी में तो आप हेड सेट ऑफ कर सकते कोई दिक्कत की बात नहीं है इंट्रा हेड सेट ऑफ कर सकते इंटर हेड सेट ऑफ भी कर सकते हैं एचपी का लॉस इंटर हेड सेट ऑफ भी हो सकता है लेकिन इंटर हेड सेट ऑफ है मैक्सिमम दो लाख रुपए यस yes. सरकार ने लिमिट लगा दी है सरकार ने लिमिट लगा दी है कि एचपी का लॉस अगर मान लो तीन लाख रुपए आया तो मैक्सिमम आप दूसरे हेड से दो लाख कर सकते हो बाकी एक लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा तो जो एचपी का लॉस है मैक्सिमम आप सेट ऑफ कर सकते हो दूसरे हेड से दो लाख रुपए उससे ज्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते ये मैक्सिमम लिमिट अच्छा बात नहीं बनी तो आप कैरी फॉरवर्ड करिएगा आठ सालों के लिए ये पीरियड लिखा है ना ये पीरियड जो है सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर है ये पीरियड जो है सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर लिखो भैया यहां पर यहां पर क्लियर नहीं आया मेरी लिखावट लिखो जी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर यानी कि यानी कि बात याद रखिएगा अगर एचपी का लॉस ये टेबल दो पेज में जाएगा अगर एचपी का लॉस मान लो असेसमेंट ईयर 21-22 में आया 21-22 में आया तो ये आगे के प्लस एट सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में जाएगा यानी कि 21-22 को छोड़ के आठ साल यानी कि 22-23 असेसमेंट ईयर तेईस चौबीस चौबीस छब्बीस सत्ताइस सत्ताईस अट्ठाइस अट्ठाइस उनतीस उनतीस तीस अगर असेसमेंट ईयर बाईस तेईस में आया तो फिर एट सब्सिक्वेंट जिस साल में लॉस आया उसके आगे के आठ तो ये मेरे हिसाब से बन जाएंगे ये उनतीस तीस असेसमेंट ईयर तथा तो इक्कीस बाईस का तो फिर भाई ये पहुंच जाएगा असैसमेंट ईयर 31. अगर मान लीजिए असेसमेंट ईयर बीस इक्कीस है इसका लॉस एचपी का जो सेट ऑफ नहीं हो पाया अगर वो अपने घर से या सेट ऑफ हो ही जाता उसका रोना रुक जाता रोना नहीं रुका तो गवर्नमेंट कहती भाई तू रोले असेसमेंट ईयर अट्ठाईस उनतीस तक तो अब तय क्या करना जिस असेसमेंट ईयर का लॉस है ना उसमें एट ऐड कर देना जैसे ट्वेंटी वन प्लस एट ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी टू है ना ये ट्वेंटी टू प्लस एट थर्टी तो देखो हमें ट्वेंटी तो 30, 31 बन गया तो 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 ऐसे का है और जिस साल लॉस आया उसमें प्लस एट प्लस 8 कर दो तो लॉस मेरे हिसाब से कैरी फॉरवर्ड होंगे आगे आने वाले आगे आने वाले आठ सालों में तो ये पेटा याद रखेगा असेसमेंट होता है, इंक्लूडिंग जिसका लॉस आया वो नहीं एक्सक्लूडिंग जिसका लॉस आया प्लस एट तो यानी कि करंट ईयर में क्या करना करंट ईयर में लॉस आया तो अपने घर से सेट ऑफ करना पड़ोसी के घर से सेट ऑफ करना और फिर भी बात ना बने आठ साल आठ साल सब्सिक्वेंटली कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे अच्छा आपने वो कहानी सुनी है भालू आया भालू आया तो वो एक एक्चुअली में एक बार पड़ोसी आए दो बार पड़ोसी आए उसके बाद जब भालू आया उसके बाद जब भालू आया तो पड़ोसी नहीं आए उसके बाद पड़ोसी नहीं आए इसी तरीके से अगर आप एक बार चीनी मांगने जाते हो पड़ोसी के पास पड़ोसी चीनी दे देता है लेकिन बार बार अगर आप चीनी मांगने जाओगे पड़ोसी मदद नहीं करेगा तो यानी कि इंटर हेड सेट ऑफ आपको मिला जब आपको लॉस हुआ लेकिन जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे यस yes, अगले साल मान लीजिए असेसमेंट ईयर आपका है 2022 हजार आ, बाईस दो ईयर है 2021 हजार असेसमेंट ईयर है इस साल तो आपको सब लोग मिलेंगे पहली बार आपको जब लॉस हुआ है तो घर भी मिलेगा पड़ोसी भी मिलेंगे लेकिन जब आप 21 बाईस के बाद आठ साल जाओगे 22 23 23, 24 उसमें आपको सेम हेड ही मिलेगा गोल्डन रूल है लॉसेस जिस साल हुए उस साल तो अपना भी घर है पराया का भी घर है आज रोया पहली बार तो अपने भी चुप कराया पड़ोसी ने भी चुप करवाया लेकिन बार बार रोते हो तो फिर पड़ोसी आपकी मदद नहीं करता घर वाले ही मदद करते हैं तो इसी तरीके से जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं दो रूल याद रखिएगा ये सब्सिक्वेंट पीरियड होता है आठ सब्सिक्वेंट पीरियड होता है और कैरी फॉरवर्ड वाले सालों में जब सेट ऑफ करेंगे कैरी फॉरवर्ड वाले सालों में जब सेट ऑफ करेंगे तो आपको सेम हेड मिलेगा सेम हेड मिलेगा इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं है यानी कि इंटर हेड एडजस्टमेंट उसी साल अवेलेबल है साल लॉस हुआ है अब यहां पर एक स्टार लगाइएगा यहां पर इंटर हेड एडजस्टमेंट्स पे एक स्टार लगाइएगा और स्टार ये टेबल तो मेरा तो दो पेज में जाएगा तो मैं इसको यहां पर तो रब कर देता हूं अच्छा ये जो इंटर एड हैं ये दूसरे हेड से सेट कर सकते हैं एचपी का दूसरे हेड्स कौन से हो गए सैलरी एचपी के दूसरे हेड्स कौन से हो गए कैपिटल गेन एचपी के दूसरे हेड्स कौन से हो गए बिजनेस प्रोफेशन एचपी के दूसरे हेड्स कौन से हो गए अदर सोर्सेस लेकिन क्या आपके सारे पड़ोसियों से मधुर संबंध होते हैं नहीं कई पड़ोसियों से अगर हम चीनी मांगने जाएंगे हमें पता है बड़ा कमीना टाइप का वो पड़ोसी है वो आपको चीनी क्या दरवाजा तक नहीं खोलेगा तो इसलिए हमें क्या करना है जहां पर हमने स्टार लगाया है ना बच्चों वहां पर आपको लिखना है जहां पर हमने स्टार लगाया है इसका दो पेज के बाद लिंक देना है कि भाई स्टार का लिंक फॉलोइंग इनकम्स नो लॉस नो लॉस कैन बी सेट ऑफ न बी सेट ऑफ फ्रॉम फॉलोइंग इनकम कुछ ऐसे पड़ोसी होते हैं जिन्होंने अपनी इनकम के बाहर ताला लगाया हुआ है हेड की बात नहीं कर रहा उन्होंने इनकम के बाद ताला लगाया हुआ है बोलता है जी अपना दुख है अपने आप संभालो हम अपना कंधा नहीं देंगे तो ऐसी कौन सी इनकम है आप सोच के बता सकते हो जिनसे आप लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते कोई ऐसी इनकम्स है कोई ऐसे इनकम्स हैं जिनसे आपका लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता वो कोई भी लॉस हो मैं आपको बताऊं पहली आपकी इनकम है पहली इनकम है आपकी कैजुअल इनकम यस अंडर सेक्शन वन वन फाइव डबल बी जिसपे थर्टी परसेंट टैक्स लगता है फ्रेंड्स आपने अदर सोर्सेस पढ़ा होगा अदर सोर्सेस में मैंने बताया था कि अगर आपकी कैजुअल इनकम है सेक्शन अट्ठावन कहता है नो लॉस नो डिडक्शन नो अलाउड टू बी सेट ऑफ यानी कि अगर एचपी का लॉस हुआ है आपका एचपी का लॉस हुआ है, अभी तो की की बात करी है और कैजुअल इनकम भी है आप सेट ऑफ नहीं कर सकते आप कैडी फॉरवर्ड कर सकते हो लेकिन आप सेट ऑफ कैजुअल इनकम से नहीं कर सकते तो ये इनकम्स एक तरीके से जिनको आप टच नहीं कर सकते लॉस सेट ऑफ होने के लिए कोई और इनकम बताना चाहेंगे यस दोस्तों मैं बताऊं डिविडेंड इनकम ये भी आपने आईओ में पढ़ा होगा डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन वन वन फाइव ये वाली इनकम जिसपे जिसपे दस परसेंट का टैक्स लगता है ये डिविडेंड इनकम इससे भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते डिविडेंड इनकम अंडर वन वन फाइव बीबीडीए जो दस परसेंट की है वैसे इनकम, BBDA वाली दस परसेंट वाली है इससे भी आप लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते तीसरी इनकम पेटेंट इनकम पेटेंट इनकम यस अंडर सेक्शन वन वन फाइव जो दस परसेंट पे टैक्सेबल होती है इससे भी आप लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसी इनकम्स हैं ये फुल्ली टैक्सेबल होती हैं इनसे कोई खर्चा माइनस नहीं होता तो इनसे अपना ही खर्चा माइनस नहीं होता दूसरे का लॉस किया फिर आपकी आ गई ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट सेक्शन है आपका वन वन फाइव बीबीजी और इस पे भी टैक्स लगता है दस परसेंट का तो ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट की इनकम से भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता फिर दूसरी इनकम आ गई इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस ये है सेक्शन वन वन फाइव पे 60% जिसपे साठ परसेंट का टैक्स लगता है तो मैं ये बोल दूं स्पेशल रेट वाली इनकम से स्पेशल रेट वाली इनकम से लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते एक्सेप्ट कैपिटल गेंस यस कैपिटल गेंस भी स्पेशल रेट पे आती हैं उनसे लॉस सेट ऑफ हो जाते हैं देखो मैंने खाली वन टू थ्री फोर और फाइव इनकम्स की बात करी मैंने खाली वन टू थ्री फोर फाइव इनकम्स की बात करी मैंने कैपिटल गेन की इनकम भी जो एल है 112 सेक्शन का जो 20 परसेंट पे आता है एस टी सी जी ट्रिपल वन ए का पंद्रह परसेंट पे आता है और एल टी सी जी एक बारह ए का दस परसेंट पे आता है वो मैंने यहां पर नहीं बताई ये मैंने अनटचेबल इनकम्स नहीं बताई इन इनका घर का दरवाजा इनका घर का दरवाजा खुला है यहां से सेट ऑफ कर सकते हो तो वैसे तो टोटल आपकी मोटा मोटा आठ स्पेशल इनकम्स हैं लेकिन आप इनसे सेट ऑफ नहीं कर सकते एक दो तीन चार और पांच इन तीनों से लॉसेस सेट ऑफ हो जाते हैं तो ये मत बोल दीजिएगा स्पेशल रेट की इनकम से लॉस सेट ऑफ नहीं होते स्पेशल रेट की इनकम एक्सेप्ट कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होते तो चाहे एचपी का लॉस हो आगे जाके हम बिजनेस का लॉस भी करेंगे और लॉसेस भी करेंगे ये पांच इनकम फुल्ली टैक्सेबल होती हैं ये पांचों इनकम फुल्ली टैक्सेबल होती हैं इनसे लॉस का एक रुपया भी सेट ऑफ नहीं कर सकते ठीक है इनके पास नहीं जाएंगे मदद मांगने जो सेट ऑफ कर सकते हैं उसके पास जाएंगे बात समझ आई कॉपी कर लीजिए तो क्या कैपिटल गेन से लॉस सेट ऑफ हो जाते हैं बिल्कुल हो जाते हैं बच्चों कोई टेंशन की बात नहीं है तो यानी कि एचपी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है यस अपने घर से तो हो ही सकता है इंट्रा सैलरी से भी बिजनेस प्रोफेशन से भी कैपिटल गेन से भी कैपिटल गेन से भी लेकिन जो ये डिविडेंड है कैजुअल है पेटेंट है कार्बन क्रेडिट अनडिसक्लोज है इंक से नहीं करेंगे अच्छा सैलरी से कर सकते हैं यस बिजनेस प्रोफेशन से ये लेकिन मैक्सिमम दो लाख रुपए ये बात याद रखे और बात ना बनी तो आठ आगे आने वाले सालों में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे लेकिन हम सेट ऑफ कहां से करेंगे सेम हेट आइए तीसरा लॉस की बात करें वो है जी बिजनेस प्रोफेशन लॉस क्या बिजनेस प्रोफेशन में लॉस आ सकता है अरे सर बिल्कुल आ सकता है बिजनेस बिजनेस प्रोफेशन में लॉस अरे आपके रेवेन्यूज कम ज्यादा है चाहे हो या प्रोफेशन हो दोनों बातें कर रहे हैं दुकान हो या ऑफिस हो वो तो आर्किटेक्ट हो या डॉक्टर हो या लॉयर हो अच्छा जी इंट्रा हेड सेट ऑफ अलाउड है बिल्कुल अलाउड है जी अपने घर में एक बिजनेस का प्रोफेशन से प्रोफेशन का बिजनेस से कोई दिक्कत नहीं इंटर सेट ऑफ अलाउड है अलाउड है पांच तो वो बदतमीज लोग एचपी के लिए भी नहीं है बीपी के लिए भी नहीं है बीपी के लिए एक सैलरी भी नहीं है एक्सेप्ट सैलरी अच्छा बिजनेस प्रोफेशन का लॉस के लिए छह लोग नहीं है सैलरी का पूरा हेड नहीं है यहां तो पांच इनकम्स थी ना बेटा जहां पर लॉस सेट ऑफ नहीं होता था तो बिजनेस प्रोफेशन का लॉस सैलरी से भी नहीं जाएगा लॉजिक मैं बताऊंगा कैरी फॉरवर्ड कितना आठ और अगले साल सेम हेड अगले साल सेम हेड लॉजिक ये है कि भाई बिजनेस और प्रोफेशनल सैलरी दो विपरीत टाइप की इनकम है. एक है एम्प्लॉयमेंट वाली एक है अपने बलबूते वाली तो लोग क्या करते थे जो नौकरी करते थे वो नौकरी की इनकम को यूज कर लेते थे बिजनेस का लॉस सेट ऑफ करने के लिए वो क्या करते थे जैसे कोई प्रोफेशनल है उसने डिग्री ली हुई है इंस्टीट्यूट से चाहे जो भी है पार्ट टाइम प्रैक्टिस दिखा दी और पार्ट टाइम प्रैक्टिस बिजनेस प्रोफेशन है वहां पर लॉस दिखा दिया सैलरी सेट ऑफ कर ली या मान लीजिए कोई डॉक्टर है उसने आ, नौकरी करता है उसने अपना क्लिनिक भी खोला हुआ है क्लिनिक में लॉस दिखा दिया और सैलरी सेट ऑफ कर ली तो हर बंदा ऐसे कर सकता था सैलरी वाला कि मैं पार्ट टाइम पे कोई बिजनेस करता हूं और गवर्नमेंट कहती है भाई दो नैयाओं में पैर रखोगे ना तो कहीं ना कहीं डूबोगे इफ यू हैव टू वाइफ टू गर्ल हैव टू गर्ल फ्रेंड्स तो आप मरोगे ही मरोगे एक ना एक दिन तो पकड़े जाओगे तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट कह रही है अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में शिद्दत से मेहनत करो सैलरी करते हो जॉब करते हो तो जॉब पे मेहनत करो दोनों करते हो तो एक में लॉस आएगा ही आएगा सैलरी में लॉस आता नहीं बिजनेस में लॉस आएगा तो हम सैलरी को यूज नहीं करने देंगे सेट ऑफ के लिए हो सकता है जेन्युइनली लॉस आए हमें मतलब नहीं है चाहे जेन्युइन हो या नॉट जेन्युइन हो तो बिजनेस प्रोफेशन के छह साथ तो ही नहीं है पांच इनकम्स तो है ही नहीं अदर सोर्सेज में पांच इनकम सैलरी हेड भी पूरा एप्लीकेबल नहीं है इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे समझने के लिए उसके बाद आता है जी उसके बाद आता है जी स्पेकुलेशन लॉस हां जी स्पेकुलेशन लॉस ये स्पेकुलेशन लॉस होता क्या है ये मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा पहले इसका ट्रीटमेंट देख लो गर्मेंट कहती है स्पेकुलेशन लॉस सेम सोर्स से जाएगा यानी कि स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन इनकम से ही जाएगा स्पेक्युलेशन लॉस स्पेकुलेशन इनकम से ही जाएगा बिजनेस प्रोफेशन लॉस बिजनेस प्रोफेशन इनकम कोई भी हो एचपी का लॉस कोई भी एचपी की इनकम हो सेम सोर्स अच्छा इंटर हेड मना कर दिया यानी कि स्पेकुलेशन लॉस पहले तो ये देखना पड़ेगा स्पेकुलेशन लॉस होता क्या है इनफैक्ट उससे पहले देखना पड़ेगा स्पेकुलेशन क्या होता है फिर वो कौन से हेड में आता है उसमें लॉस कैसे आता है लेकिन बोल रहे हैं जी स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन की इनकम से जाएगा लेकिन इंटर हेड नहीं है कैरी फॉरवर्ड आठ की जगह चार है और सेम सोर्स लिखा गया है सेम सोर्स तो जो स्पेकुलेशन लॉस है वो आपका सेम सोर्स से जाता है ये मैं बताऊं आपको अभी अभी थोड़ा सा रुक जाओ दो मिनट रुक जाओ और लिख लो इसकी बाद में क्लैरिटी बाद में दूंगा पहले एक बार रूल्स लिखवा दू पांचवा आपका पांचवा आपका आ गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के लॉसेस की बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको पता है बारह महीने से पहले चौबीस महीने से पहले छत्तीस महीने से पहले एसेट बेची है तो सेलिंग कंसेशन कम होगा गवर्नमेंट कहती है सुनिए टिक है यानी कि अपने घर में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की चलती है या तो शॉर्ट टर्म गेन से या लॉन्ग टर्म गेन से कैपिटल गेन में दो ही हो सकती है अच्छा इंटर हेड बना कर दिया कैरी फॉरवर्ड आठ साल सेम हेड लिख दिया यानी कि इंटर हेड नहीं है कैपिटल लॉसेस का क्योंकि कैपिटल लॉसेस है और अगर ये इंटर हेड सेट ऑफ करते तो कहां से करते बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी सैलरी वो रेवेन्यू इनकम है तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कैपिटल लॉसेज रेवेन्यू इनकम को सेट ऑफ करे वर्षा है एचपी बिजनेस कैपिटल गेन से जा सकते हैं एचपी का लॉस सब करवाऊंगा थ्योरी समझो एचपी का लॉस बिजनेस का लॉस शॉर्ट कैपिटल गेन से जा सकता है रेवेन्यू लॉसेस कैपिटल लॉसेस से जा कैपिटल इनकम से जा सकते हैं लेकिन कैपिटल लॉसेस रेवेन्यू इनकम से नहीं जा सकते एक लॉजिक ये भी है कैपिटल इनकम्स कम रेट पे टैक्सेबल होती है रेवेन्यू इनकम ज्यादा रेट पे टैक्सेबल होती है हम नहीं चाहते कमजोर

कैपिटल गेन से जा सकता है क्योंकि वो ताकतवर है जैसे गरीब आदमी अमीर आदमी के घर नहीं घुस सकता अमीर आदमी चाहे तो गरीब आदमी के घर घुस सकता है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है बात समझ आई अच्छा कैपिटल गेन में ही कैपिटल गेन में ही एक आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में देखिए कहानी क्या है लिखा है सेम सोर्स हाँ यहां पर क्रॉस आठ साल सेम सोर्स कैपिटल गेन में भी देखिए अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया तो आप सेट ऑफ कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हो ये शॉर्ट टर्म तो टिक था ये एस टी से भी जा सकता है एल टी से भी जा सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में क्या सेम सोर्स तो ये एल टी सी जी से ही जाएगा एल से ही जाएगा लॉजिक क्या है अब इन दोनों में भी शॉर्ट टर्म सुनिएगा इन दोनों में भी लॉन्ग टर्म हल्का होता है ऐसे कैपिटल इनकम्स और रेवेन्यू इनकम्स कैपिटल इनकम हल्की होती है और कैपिटल में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म हल्की होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म का मैक्सिमम टैक्स मरे से मरा बीस परसेंट है शॉर्ट टर्म कभी कभार स्लैब पे भी आ जाता है थर्टी परसेंट टैक्स भी लग जाता है शॉर्ट टर्म पे याद करिए कैपिटल गेन चैप्टर तो हम नहीं चाहते कि हल्की इनकम भारी इनकम को खा जाए समझिएगा लॉन्ग टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म को खा जाएगी शॉर्ट टर्म पे तो थर्टी परसेंट का टैक्स है उल्टा अलाउड है वही तो यानी कि कैपिटल गेन इनकम रेवेन्यू इनकम से हल्की होती है और कैपिटल गेन में भी लॉन्ग टर्म हल्का होता है शॉर्ट टर्म से तो इसलिए लॉन्ग टर्म को हम अलाउ नहीं करते शॉर्ट टर्म इनकम से लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म से ही जाएगा इसका एक और तरीका याद करने का बड़ा भाई छोटा भाई बड़े भाई को नुकसान हुआ अपने आप सेट ऑफ करेगा छोटे भाई को नुकसान हुआ बड़े भाई से भी जा सकता है छोटे भाई तो अपने आप है ही क्लियर है बात नेक्स्ट अब आते हैं सेवेंथ जो अदर सोर्सेज के लॉसेज हैं एक बार रूल्स पढ़ लेंगे ना फिर प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ आएगा अदर सोर्सेज में कैजुअल लॉसेस कैजुअल लॉसेस बेटा ये कैजुअल लॉसेस वही बेटिंग के गैम्बलिंग के ये डेड लॉसेज हैं डेड लॉसेस हैं नो टैक्स ट्रीटमेंट इसमें लॉस होता है मैं मना नहीं सैलरी में तो लॉस ही नहीं होता वहां क्या लिखा था सुनिए वहां लिखा था नो लॉस नो सेट ऑफ यहां लॉस है लेकिन सरकार ने आंखें मूंद ली सरकार ने आंखें मूंद ली क्या अपने आप सौ तो इनकम है अगर आपको लॉटरी की टिकट एक लाख रुपए की ली लॉटरी की टिकट आपने एक लाख रुपए की ली और आपकी लॉटरी नहीं लगी वेस्ट है कुछ नहीं कर सकते गैमलिंग में हार गए बैटिंग में हार गए कुछ नहीं कर सकते तो दिल के अरमा आसुओं में बह गए कुछ नहीं कर सकते बेटा तो कैजुअल लॉसेस याद रखिएगा डेड कैजुअल लॉसेस बच्चों एक सेकंड दीजिएगा मुझे तो कैजुअल लॉसेस बच्चों डेड लॉसेस हैं इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता लॉस हो सकता है बैटिंग में गैमलिंग में रेस हॉर्सेस में लॉस हो सकता है लेकिन गर्मेंट कहते हैं लॉस को वहीं दबा दो मिट्टी में दबा दो लॉस सेट ऑफ नहीं होता इनफैक्ट मैं बोलूं लॉटरी लगी पांच लाख की और बैटिंग का लॉस हुआ दो लाख का वो सेट ऑफ नहीं होगा बैटिंग का लॉस वही मिट्टी में दबा दो यस जहां लॉस हुआ वही दबा दो भूल जाओ भूल जाओ लॉस ही हुआ है अच्छा एक लॉस होता है अदर सोर्सेज में लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस आपने अदर सोर्सेस किया होगा ना लॉस ऑफ ओनिंग आप घोड़ों को पालते हो घोड़ों को दौड़ाते हो घोड़ों को पालते हो ये कैजुअल इनकम नहीं थी याद करिएगा ये आती अदर सोर्सेज में है ये फिफ्टी सिक्स टू में आती है कैजुअल इनकम फिफ्टी सिक्स टू लॉसेज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस लॉसेज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस ये आता है फिफ्टी वन में फिफ्टी सिक्स वन में ओनिंग एंड मेंटेनिंग स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता है नॉर्मल बंदे के लिए नॉर्मल मतलब इंडिविजुअल के लिए कंपनियों की तो नॉर्मल टैक्स तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस में लॉस कैसे हुआ घोड़ों को पाला दौड़ाया कम खमगत जीते नहीं रेस तो ये जो लॉस है ये कैजुअल लॉस नहीं है ये बंदा घोड़ों को पालता है दौड़ाता है इसको बोलते हैं सेम सोर्स सेम सोर्स यानी कि ओनिंग मेंटेनिंग का लॉस और घोड़े के हॉर्सेस बोला है घोड़े के हॉर्सेस मतलब रेस के हॉर्सेस अच्छा इंटर हेट नहीं है चार साल कैरी फॉरवर्ड सेम सोर्स सेम सोर्स अच्छा तो याद रखिएगा और नाइन्थ नाइन्थ है आपका अदर लॉसेस अदर सोर्सेस के अदर सोर्सेस के अदर लॉसेस कैसे हो सकते हैं क्योंकि सेवेंथ एर्थ नाइन्थ है ना अदर सोर्सेस है तीन लॉसेस याद रखिएगा कैपिटल गेन के ये है कैपिटल गेन के लॉसेस ये बिजनेस प्रोफेशन है तीन और चार बिजनेस प्रोफेशन के लॉसेज है बताऊंगा स्पेकुलेशन ये हाउस प्रॉपर्टी ये सैलरी तो ये पांच हेड्स में कितने कितने लॉस आ सकते हैं अदर सौ... अदर लॉसेस कैसे हो सकते ना जनरेटर किराए पे दिया पचास हजार रुपए का खर्चे साठ हजार की हो गए कोई नलायक जनरेटर में पानी मिला के ले आया उसने पेट्रोल की जगह सोचा पानी चलेगा इंजन भूख गया साठ का खर्चा हुआ दस का नुकसान हो गया तो ये अदर लॉसेस अदर सोर्सेस की ये वाले हैं कि आपने प्लांट मशीनी फर्नीचर किराए पे दी खर्चे ज्यादा हो गए रेयर केस है मना नहीं कर रहा गवर्नमेंट कहती है इसमें ये अलाउड है इंटर भी अलाउड है कैरी फॉरवर्ड ही नहीं है क्योंकि याद करिएगा ये जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना सैलरी का एचपी uh, uh, का जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है कौन सा सेक्शन है 71 वन बी बीपी का लॉस सेवेंटी टू स्पेकुलेशन सेवेंटी थ्री सेक्शन है तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है फोर मैंने अभी आज बताया है। और लॉस ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग 74 ए लॉस ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग 74 ए में कैरी फॉरवर्ड होते हैं लॉसेस का कोई सेक्शन ना है सेट ऑफ सत्तर इकहत्तर में हो जाएगा तो ये जनरेटर का लॉस है आईयूएस में देखिएगा हाँ आईयूएस में ये पांच इनकम याद रखिएगा ये जो पांच इनकम्स होती हैं ये तो किसी को मदद नहीं करती ये तो ना एचपी so, के लॉस को मदद करती है ना बीपी के लॉस को ना स्पेकुलेशन लॉस को ना शॉर्ट टर्म लॉस को ना लॉन्ग टर्म लॉस को ना किसी और लॉस को ये तो अनटचेबल एक तरीके से है, इनको टच नहीं किया जा सकता बात समझ आ गई ये एक बार चार्ट कॉपी कर लीजिएगा फिर मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा फिर आपको कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छी तरह पकड़ पाओगे आइए जरा अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो so दैट ये चार्ट आपको समझ आए ये आपके फिफ्टी परसेंट काम हो गया सेट ऑफ का अब जरा देखिएगा अब आपको सैलरी की इनकम दी हुई है पांच लाख एचपी वन में इनकम आई है तीन लाख एच पी टू में लॉस आया है सात लाख बस जी आप कृपया करके टोटल इनकम निकालिए है टोटल इनकम निकालिए अच्छा बेटा टोटल इनकम निकालने के लिए पहले सत्तर अपने अपने घरों में झगड़े करो फिर झगड़ के सोसाइटी में आओ फिर आपस में बात करो तो यानी कि टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हम हेड्स बनाएंगे सैलरी पांच लाख रुपए सैलरी पांच लाख रुपए पहले तो अपना अपना घर लॉसेस की बात बाद में फिर एचपी एचपी में तीन लाख की तो पॉजिटिव है माइनस सात लाख तो लॉस आ गया एचपी का लॉस आ गया चार लाख एचपी की इनकम तो नील हो गई इनकम तो नील कर दो हाँ इनकम निल दिखा दो अब ये लॉस आ गया चार लाख का इसको क्या करें अब सत्तर सेक्शन हो गया अपने 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 घर में पांचों हेड्स की इनकम निकाल ली दो हेड्स है यहाँ पर एक हेड हमारा सैलरी का एक हेड एक हेड हमारा ये एक हेड हमारा सैलरी का एक हेड हमारा हाउस प्रॉपर्टी का अब हम क्या करें अब हम क्या करें अब हम क्या करें तीन लाख माइनस सात लाख चार लाख का लॉस आ गया अब हम क्या करें अब हम इकहत्तर करते हैं और एचपी का लॉस हमने पहले अपने घर से किया फिर इंटर से किया इंटर में मैक्सिमम दो लाख सेट ऑफ कर सकते हैं यहां से दो लाख ही सेट ऑफ होगा ये तीन लाख रह जाएगा क्योंकि मैक्सिमम सेट ऑफ मैक्सिमम सेट ऑफ दो लाख है अच्छा जो रिमेनिंग रह गया अब बेटा जो रिमेनिंग रह गया ना उसको कैरी फॉरवर्ड करिए सेवेंटी वन बी में फॉर एट सबसिक्वेंट ईयर कैरी फॉरवर्ड करिएगा क्या करें और इस साल की बाबा रे बाबा टोटल इनकम आ गई तीन लाख रुपए ऐसे करना है क्योंकि आपका मैक्सिमम सेट ऑफ है भैया दो लाख रुपए दो लाख से ज्यादा सेट ऑफ नहीं कर सकते तो भाई बाकी रह गया कैरी फॉरवर्ड कर देंगे क्लियर है बात ये दो लाख सेट ऑफ कर दिए ठीक है चलो एक और क्वेश्चन आज यही करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे बस अब क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर टू अच्छा आपकी सैलरी की इनकम है पांच लाख रुपए अभी स्पेकुलेशन बताता हूँ पीजीबीपी वन आपका है तीन लाख रुपए और पीजीबीपी पी टू में नेगेटिव इनकम है सात लाख रुपए करिए जी टोटल इनकम निकालिएगा टोटल इनकम निकालिएगा बच्चों टोटल इनकम करिए जी मैं आपको दो मिनट का टाइम दे रहा हूं आपके एक बिजनेस में तीन लाख रुपए है एक बिजनेस में सात लाख रुपए का नुकसान है प्लीज सॉल्व करिएगा एक बिजनेस में तीन लाख रुपए का प्रॉफिट है एक बिजनेस में सात लाख रुपए का नुकसान है सॉल्व करिएगा सॉल्व करिएगा बच्चों। प्लीज करिएगा प्लीज करिएगा सॉल्व इट एंड लेट मी नो देखो जी सैलरी की इनकम निकाली सीधी पांच लाख रुपए अब पीजीबीपी का निचोड़ निकालें पीजीबीपी में मेरे हिसाब से तीन लाख माइनस सात लाख नेगेटिव इनकम आ गई इनकम तो जीरो इनकम तो जीरो कर दी अब लॉस आ गया जी चार लाख लेकिन पीजीबीपी का लॉस सैलरी से जा नहीं सकता मनाई है तो ये चार लाख को सीधा कैरी फॉरवर्ड करेंगे बहत्तर सेक्शन में फॉर एट सब्सिक्वेंट असैसमेंट इल की कल देखेंगे और आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई टोटल इनकम पांच लाख क्या करें तो इनकम तो नीली दिखानी है जी लॉस है तो सेट ऑफ कर लेंगे बात समझ आ गई तो चार लाख का लॉस सीधा बहत्तर सेक्शन में कैरी फॉर्मर्ड अब मैं आपको ना केस थ्री में स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूं केस थ्री में स्पेकुलेशन अच्छा ये स्पेकुलेशन क्या होता है हवा हवा ए हवा मुझको मिला दे स्पेकुलेशन लॉस इज डिफाइंड या स्पेकुलेशन स्पेकुलेटिव इन एक्टिविटीज डिफाइंड अंडर फोर्टी थ्री फाइव लॉस नहीं बोलूंगा स्पेकुलेशन इज डिफाइंड स्पेकुलेशन इज डिफाइंड अंडर फोर्टी थ्री फाइव इट इज इट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ़ शेयर्स पब्लिक कमोडिटीज विच इज सेटल्ड अदरवाइज बाय डिलीवरी बिना डिलीवरी लिए बिना डिलीवरी लिए कोई शेयर या कमोडिटी की ट्रांजैक्शन सेटल कर दी है बिना डिलीवरी लिए अरे बेटा क्या होता है समझो मेरी बात मेरी बात समझो मेरी बात समझने की कोशिश करो भैया अगर आपको एक किलो कोई आर्टिकल खरीदना है और मान लो एक किलो आर्टिकल दस हजार रुपये का है तो आप एक किलो माल खरीदने के लिए दस हजार रुपए दोगे एक किलो माल बोरी में या बोरी में एक किलो कैसे आएगा एक किलो माल उठा के अपने गोडाउन में फैक्ट्री में शोरूम में लेके आओगे और उसके बाद उसको बेचोगे इसमें आपने क्या किया पेमेंट करी डिलीवरी ली और फिर बेचा अच्छा कई लोग क्या करते हैं उनको माल की डिलीवरी नहीं लेनी वो एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई सुन मैं तुझसे एक किलो माल फ्यूचर डेट में फ्यूचर डेट मतलब पंद्रह दिन बाद तीस दिन बाद खरीदूंगा दस हजार में फ्यूचर में मैं आपसे एक दस हजार में लूंगा दस दिन के बाद वो आर्टिकल ग्यारह हजार रुपए का हो गया वाह आपके तो मजे आ गए क्योंकि आपने एग्रीमेंट तो दस का किया था और दस दिन के बाद वो प्राइस ग्यारह हजार हो गया तो आप नॉर्मली क्या करते दस हजार देते क्योंकि आपने तो दस का ही एग्रीमेंट किया है उसको उठा ले के लेके आते सामान डिलीवरी लेते शॉप में रखते गोडाउन में रखते फिर ग्यारह का बेचते एक हजार का प्रॉफिट यहां पर बंदा क्या कह रहा है मैं तुझे पेमेंट नहीं दे रहा भाई मैं तुझे पेमेंट नहीं दे रहा ना मुझे डिलीवरी लेनी तू मुझे नेट एक हजार रूपए दे दे तू मुझे नेट एक हजार दे दे ये कह रहा है सेलर को जैसे आप मेरे पास आए सचिन सर मैं आपसे दस हजार की क्लासेस लूंगा मैं आपसे दस हजार रूपये की क्लासेस लूंगा मेरे क्लास के प्राइस ग्यारह हजार ग्यार हो गए तो अब क्या हुआ आपने क्या किया क्लास नहीं ली मुझसे एक बच्चे को क्लास लेनी थी अब रजिस्ट्रेशन तो आपके पास था आपने वो रजिस्ट्रेशन स्लिप उस बंदे को बेच दी एक हजार रुपए में समझिएगा मेरी बात वो रजिस्ट्रेशन दी एक हजार में अब वो बंदा मुझे दस हजार दे के जाएगा एक हजार उसने आपको दे दिए उसको तो ग्यारह की पड़ी बात समझ जैसे ब्लैक नहीं करते ब्लैक ब्लैक क्या करते हैं ब्लैक ऐसे ही होता था पहले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर या स्कूटर्स पे कार्स पे बुकिंग करवा ली और बुकिंग के पैसे जो टिकटें नहीं होती मूवी की टिकट ब्लैक करते हैं तो आप जहां पर आपने बिना डिलीवरी लिए ट्रांजैक्शन को स्क्वेयर ऑफ कर दिया हां जी बिना डिलीवरी लिए ट्रांजैक्शन को स्क्वेयर ऑफ कर दिया तो आपने किसी को जैसे शेयर मार्केट शेयर मार्केट का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपको पता है स्टॉक मार्केट सुबह सवा नौ बजे खुल जाती है साढ़े तीन बजे बंद हो जाती है अब आपको मान लीजिए रिलायंस का शेयर दो हजार का चल रहा है और सौ शेयर रिलायंस के दो लाख रुपए होते हैं आपको लग रहा है कि रिलायंस का शेयर दो हजार है ना ये पच्चीस सौ पहुंचेगा नेक्स्ट एक महीने के अंदर आपको लग रहा है तो आप दो लाख रुपए लागत लगाओ डी मैट में डालो डी मैट में डालो डिलीवरी लो शेयर की और फिर ढाई में बेच दो तो पचास का मुनाफा लेकिन तुम्हें मनी पे नहीं करना ना तुम्हें डिलीवरी लेनी है, तुम्हें सट्टा करना है स्पेकुलेशन होता है सट्टा लो स्पेकुलेशन होता है सट्टा तुम्हें सट्टा करना है तो आप पता है क्या करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग इंट्रा डे ट्रेडिंग में क्या होता है आप ब्रोकर को बोलोगे मेरे शेयर सुबह साढ़े नौ बजे दस बजे खरीद ले सौ शेयर और शेयर अभी आपको पैसा कुछ नहीं देना <laughs> और 2000 का शेयर मान लो तेईस हो गया आज कुछ ऐसी न्यूज आ गई तो 300 सौ इंटू सौ ये तो बड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो गया भाई 500 5 पांच, पांच लाख का प्रॉफिट हो गया ना अरे क्या कर रहे हैं भैया क्या गलती हो पचास हजार क्या गलती हो गई हमसे 500 सौ इंटू सौ पचास हजार हाँ तो ये तीस तीस तीन हजार इंटू सौ रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया देखो आपने सुबह दो हजार के सौ शेयर लिए एक घंटे के बाद तेईस सौ के सौ शेयर हो गए इंटरा डे ट्रेडिंग के लिए आपको पैसा नहीं देना होता डीमेट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है डिलीवरी की भी जरूरत नहीं है अब ये तीस हजार रुपए आप शेयर्स को बेच दो शेयर्स को बेच दो तो आपने एक रुपए की लागत लगाए बिना तीस हजार रुपए कमा लिए लेकिन साढ़े तीन बजे तक आपको पहले पहले सौदे को काटना पड़ेगा मान लो दो हजार का लिया लेकिन शेयर साला दो हजार से ऊपर ही नहीं गया लेने के बाद उन्नीस सौ पचास आ गया फिर उन्नीस सौ आ गया फिर अठारह सौ पचास आ गया अब आपको साढ़े तीन बजे तक काटना पड़ेगा अठारह सौ पचास या अठारह क्योंकि साढ़े तीन बजे तक नहीं काटा तो ब्रोकर पूरी पेमेंट पूरी पेमेंट आपसे मांग लेगा और डीमेट अकाउंट में आपको शेयर लेने ले पड़ेंगे तो कंपल्सरी हो जाएगा तो जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो सट्टा ही होता है उसको हम स्पेकुलेशन इनकम कहते हैं तो मोटा मोटा यह मान लीजिए स्पेकुलेशन इनकम में बिना डिलीवरी लिए हवा हवा में हम पैसा कमाते हैं बिना डिलीवरी लिए बिना लागत लगाए तो गवर्नमेंट स्पेकुलेशन इनकम को अच्छा नहीं मानती है इसलिए गवर्नमेंट ने कहा स्पेकुलेशन इनकम जो है बाबा इसपे हम लॉसेस जो होंगे मना तो नहीं कर रहे सेम सोर्स से ही देंगे स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम से जाएगा इंटर हेड अलाउड नहीं किया चार साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे और सेम सोर्स से चाहे इस साल करो या आगे आने वाले चार साल करो तो अभी करते है, का। एक करते हैं हैं का का देखिए जी केस थ्री। अब देखो जी आपकी स्पेकुलेशन अच्छा स्पेकुलेशन को बिजनेस प्रोफेशन में ही दिखाया जाता याद है याद रखिएगा नॉर्मल टैक्स लगता है इसमें रेट तो स्पेकुलेशन इनकम आपकी है पांच लाख और आपका स्पेकुलेशन का लॉस है आठ लाख और आपका नॉर्मल या नॉन स्पेकुलेशन नॉर्मल बिजनेस इनकम है दो लाख अच्छा अब टोटल इनकम निकालिएगा करिए जरा और स्पेकुलेशन दो तीन बातें याद रखिएगा स्पेकुलेशन इनकम नॉर्मल रेट पे जनरल रेट पे टैक्सेबल होती है और ये पीजीबीपी हेड में दिखाई जाती है हाँ, और ये न, ये नॉर्मल इनकम नॉर्मल टैक्स रेट लगता है अगर इंडिविजुअल तो स्लैब रेट लगेगा और पीजीबीपी में आती है ये डिफरेंट है कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम इज जुआ और जुए का लॉस डेड है जुआ आई यूएस में आता है सट्टा बिजनेस प्रोफेशन में आता है अब ये स्पेकुलेशन लॉस यहां से सेट ऑफ करिए तो ये हो गए इनकम जीरो स्पेकुलेशन इनकम जीरो लॉस कितना रह गया स्पेकुलेशन लॉस कितना रह गया तीन लाख ये स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन इनकम से जा सकता है और कोई मदद है नहीं इसकी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कैरी फॉरवर्ड फॉर फोर सब्सिक्वेंट असेसमेंट इयर्स और ये दो लाख रुपए टोटल इनकम हो जाएगी अगले साल फिर देखेंगे चार साल तक करना है तो स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन इनकम से जाता है याद रखिएगा केस फोर पहले कॉपी कर लो चलो केस फोर देखो जी नॉर्मल नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूं कि नॉन स्पेक्यूलेटिव है नॉर्मल बिजनेस लॉस दस लाख नॉर्मल बिजनेस इनकम यानी कि नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम छ लाख और आ, स्पेकुलेटिव इनकम पांच लाख करिए जरा आपकी नॉर्मल बिजनेस लॉस दस लाख है नॉर्मल बिजनेस इनकम छ लाख है स्पेकुलेटिव इनकम पांच लाख है प्लीज करिए इसको करिएगा प्लीज इसको करिएगा नॉर्मल बिजनेस लॉस आपका दस लाख है नॉर्मल बिजनेस इनकम छ लाख है स्पेक्युलेटिव इनकम पांच लाख है। देखो जी नॉर्मल बिजनेस लॉस टिक था इंट्रा में टिक था इससे भी जाएगा और इससे भी जा सकता है यस स्पेकुलेटिव लॉस खाली स्पेकुलेटिव इनकम नॉर्मल बिजनेस लॉस एनी इनकम देखो 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 ये जो नॉर्मल बिजनेस लॉस था देखो भैया ये देखो यहां पर ये एनी पी है चाहे वो स्पेकुलेटिव हो या नॉन स्पेकुलेटिव हो याद रखिएगा लेकिन स्पेक्युलेटिव लॉस स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव इनकम से जाएगा तो इसलिए तो ये जो हमारा बिजनेस लॉस है नॉर्मल वाला ये मेहनत वाला लॉस है ये कहीं से भी जाए भाई तो ये छे लाख इसको भी खा जाएगा और यहां से मैं प्रेफर करूंगा कि पहले स्पेक्युलेटिव इनकम को कहीं से भी करो छे इसमें से चला गया चार इसमें से चला गया स्पेक्यूलेटिव इनकम रह गई एक लाख ये हो गई नील तो जो नॉर्मल बिजनेस लॉस है वह दोनों से जा सकता है स्पेकुलेटिव इनकम भी बिजनेस इनकम भी लेकिन स्पेकुलेटिव लॉस स्पेकुलेटिव इनकम तो टोटल इनकम कितनी रह गई एक लाख याद रखिए चलो कॉपी करिए केस फोर कॉपी करिए भैया आइए केस फाइव शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दस लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आठ लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पांच लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आठ लाख करिए जी ये शॉर्ट टर्म लॉस है ये शॉर्ट टर्म गेन है लॉन्ग टर्म लॉस है लॉन्ग टर्म गेन है प्लीज करिए देखो जी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इससे भी जा सकता है और इससे भी जा सकता है हाँ या ना शॉर्ट टर्म टर्म लॉस लॉस छोटा भाई लेकिन जो लॉन्ग है है वो इससे ही जा सकता है। तो मैं पहले लॉन्ग टर्म लॉस को खत्म करने की कोशिश करूंगा इसके सारे कम है शॉर्ट टर्म के तो दोनों सारे हैं तो मैं पहले लॉन्ग टर्म लॉस को खत्म करने की कोशिश करूंगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में तो इस पांच लाख को मैं सेटअप यहां से करूंगा तो मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो निल हो गया और ये मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तीन लाख रह गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लाख रह गई अब ये शॉर्ट टर्म लॉस है मैं इसको कहीं से भी भी कर सकता हूं शॉर्ट टर्म गेन से भी और लॉन्ग टर्म से भी अब ये ये देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म गेन हाई टैक्स वाली है लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म पे बीस परसेंट टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म पे टैक्स देखना पड़ेगा कौन सा टैक्स है इस पे इस पे टैक्स कम है ज्यादा है लॉन्ग टर्म में बीस परसेंट टैक्स होता है मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म ज्यादा टैक्सेबल हो रही है तो मैं दस लाख को पहले यहां से सेट ऑफ करता हूं तीन लाख के तीन लाख एस टी सी एल मैंने एस टी सॉरी सॉरी मैं दोबारा से रिपीट करता हूं मैं दोबारा से रिपीट करता हूं बेटा कंफ्यूजन हो गई होगी थोड़ी सी रुको रुको दोबारा रिपीट करता हूं देखो भाई देखो भैया शॉर्ट टर्म का सारा शॉर्ट टर्म गेन है लॉन्ग टर्म गेन है लॉन्ग टर्म का एक ही सारा है तो जिस दुख का एक ही सारा है पहले उस दुख को खत्म करो जिस जिस बीमारी के चार डॉक्टर है उसको बाद में देख लेना जिस बीमारी का एक ही डॉक्टर है वो डॉक्टर भी इंडिया छोड़कर चला जाएगा तो उसके उसको उस बीमारी को ठीक करो तो पांच लाख यहां सेट ऑफ किए पांच लाख घटाए ये तीन लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रह गया तीन लाख मेरा एल रह गया ये शॉर्ट टर्म लॉस इससे भी जा सकता है इससे भी जा सकता है तो मैं पहले लॉन्ग टर्म को उड़ाने की कोशिश करूंगा क्योंकि उसमें बीस परसेंट है शॉर्ट टर्म पे तो स्लैब भी मिल जाता है तो मैं इस दस लाख में से माइनस तीन लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ करूंगा मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नील रह गई और ये लॉस दस लाख में से तीन लाख चले गए तो सात लाख रह गया अब ये सात लाख का सात लाख मैं यहां से माइनस कर देता हूं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया एक लाख तो मेरा टोटल इनकम आ गई एक लाख देखो ये प्रैक्टिस से दूर होगी चीजें ये सच कह रहा हूं रूल्स मैंने बता दिए हैं ये चीजें थोड़ा प्रैक्टिस करोगे जब क्लियर होगा एकदम चीजें क्लियर नहीं होंगी यस ठीक है चलिए केस सिक्स करवा रहा हूं पहले कॉपी कर लो ठीक तो जिस लॉस के सारे का मैं ना पहले उस लॉस को दूर करो और जिस लॉस के सारे ज्यादा है उसको बाद में करें चलिए केस सिक्स आप देखिए जी आपको कैजुअल लॉस हुआ है पांच लाख का लॉटरी इनकम आई है ये कैजुअल लॉस बैटिंग का हुआ है मान लो और आपकी लॉटरी की इनकम आई है छह लाख रुपए लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स तीन लाख इनकम ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स घोड़े की रेसों में इनकम जो आई है वो आई है दो लाख अब आप क्या करोगे टोटल इनकम इनकम देखिएगा चार आई यूएस की बेटा ये तो डेड लॉस है दिल के अरमा में बह गए लॉटरी इनकम पूरी की पूरी टैक्सेबल है इस पर तो कोई लॉस सेट ऑफ ही नहीं होता ये तो अनटचेबल है लॉटरी इनकम लॉस ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग इनकम से जा सकता है यहां से तो ये दो के दो चले गए तो इनकम हो गई नील लेकिन एक लाख का लॉस रह गया ये कैरी फॉरवर्ड होगा सेवेंटी फोर ए में फॉर फोर सब्सिक्वेंट असेसमेंट देखो क्योंकि तो आपकी टोटल इनकम कितनी रह गई छह लाख जरा देखो जी टोटल इनकम कितनी रह गई छे लाख रुपए क्लियर है बात ठीक है तो इस प्रकार से ये कुछ बुनियादी रूल्स मैंने बताए हैं जिसको आप प्रैक्टिस करोगे और चीजें क्लियर होंगी एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा जो हमने आज किया सो so आपका क्लियर हो जाए फ्रेंड्स आज हमने ये बेसिक रूल्स की बात करी पहले आपको जो लॉसेस होते हैं लॉसेस होते हैं वो हेड में जाते हैं फिर वो इंटर में जाते हैं फिर कैरी फॉरवर्ड होते हैं और कैरी फॉरवर्ड में याद रखिएगा सब्सिक्वेंट होता है भाई कैरी फॉरवर्ड में सब ये क्या हो गया जी कैरी फॉरवर्ड में सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर होते हैं कैरी फॉरवर्ड में बाबा सब्सिक्वेंट असेस सब्सिक्वेंट होता है आज के वाले साल के आगे वाले और फ्रॉम फ्रॉम सैलरी में बेटा लॉस होता ही नहीं है तो हमें सेट ऑफ करने की आवश्यकता ही नहीं है जब दुल्ही नहीं टूटता तो फिर दर्द क्या हाउस प्रॉपर्टी में घर में भी बनती है बाहर भी बनती है लेकिन बाहर दो लाख बनती है और आठ साल कैरी फॉरवर्ड होगा सेम हेड से बिजनेस प्रोफेशन में घर में पूरी बनती है स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेटिव इनकम हो कहीं भी इनकम कैसी भी इनकम लेकिन बाहर सैलरी से भी नहीं बनती पांच तो गुंडे थे ही छठा गुंडा इसके लिए आठ साल कैरी फॉरवर्ड बहत्तर सेक्शन में सेम हेड अगले साल सेम हेड से ये सब करेंगे अगले साल वाली बातें अभी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में स्पेकेशन फोर्टी थ्री फाइव में होता है, बिना से जाता है चार साल जाता है और आगे आने वाले चार सालों में भी सेम सोर्स इंटर हेड अलाउड नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपने घर में फुल बिंदास मस्ती पड़ोसी के साथ नो मस्ती आठ साल कैरी फॉरवर्ड सेम हेड अगले साल फिर अपने घर में मस्ती रही बात लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की सेम सोर्स में जाएगा यानी कि लॉन्ग टर्म गेन से पड़ोसी का दो मस्ती अब आठ साल अपने आप ही मस्ती करेगा आगे के आठ सालों में सेम सोर्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैजुअल लॉसेस डेड लॉसेस है कोई ट्रीटमेंट ट्वेंटी नहीं है लॉस तो होते हैं दिल के अरम आंसुओं में बह गए घोड़े पालने और दौड़ाने के लिए लॉस है सेम सोर्स कमाई से जाना है इंटर हेड नहीं है चार साल सेवेंटी फोर ए में अपने आप से बनेगी आगे के चार सालों में इसके अलावा कोई लॉसेज है वो सेट ऑफ तो होंगे सत्तर इक्यात्तर में लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैरी फॉरवर्ड नहीं है चलिए दोस्तों तो आज की क्लास यही समाप्त तो होती है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा और आगे जाके थोड़े और कॉम्प्लिकेशन सेट ऑफ चैप्टर के हम करेंगे टेक केयर दोस्तों खुश रहिएगा एंजॉय योर लाइफ बाय